अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ आपको एनिमल किंगडम में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा जो कि जो फीमेल है बर्ड्स वगैरह की, वो जो एग्स हैं वो बाहर क्यों फेंक देती है। व्यूअर्स, सबसे बड़ी रीज़न जो फीमेल बजरी की हो, लवबर्ड की हो या कोकटेल की हो, उसके एग बाहर फेंकने की सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि एग जो होते हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, मतलब उनमें बच्चा नहीं होता। और फीमेल को व्यूअर्स 10 से 15 दिन बाद पता लग जाता है कि एग्स इनफर्टाइल है या फर्टाइल है। तो जिस फीमेल को पता लग जाता है कि एग्स इनफर्टाइल है, तो वो एग्स को उठाकर बाहर फेंक देती है। ठीक है व्यूअर्स, आप इसको इनफर्टिलिटी कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसके लिए व्यूअर्स आप मेरी वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। मैंने इनफर्टिलिटी के ऊपर वीडियोज़ बनाई हैं। बजरी में वैसे आमतौर पर इनफर्टिलिटी जो होती है, इनकी जो पर्च होती है, डंडी जिसके ऊपर ये बैठते हैं, वो ढीली होती है या बहुत ज़्यादा हिलती है, जिसकी वजह से जब ये मेटिंग करने लगते हैं तो ये नीचे गिर जाते हैं और एग जो होते हैं इनफर्टाइल हो जाते हैं। दूसरी जो रीज़न व्यूअर्स एग इनफर्टाइल होने की, एग बाहर फेंकने की है, वो ये है कि जो फीमेल है, या तो उसे आप बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, या उसे कोई ना कोई मसला हो गया, मतलब कोई ना कोई आगे उसे तंग करता है, आप नहीं करते लेकिन आपके पीछे से, या फिर कोई बच्चा वगैरह आपके घर जो है जहाँ पर आपने शेड बनाया वहाँ पर है, तो वो उसे तंग करता है, जिसकी वजह से जो फीमेल है वो गुस्सा कर जाती है, या फिर वो अपने आप को अनसेफ फील करती है, वो वहाँ सेफ नहीं फील करती, तो फिर वो अपने जो एग्स है वो उठाकर बाहर फेंक देती है। तो व्यूअर्स, इसमें कुछ रीज़न ये भी आ जाती हैं, या तो आप बार बार देखें, क्योंकि व्यूअर्स जो नए नए शौक करने वाले होते हैं, जब उनकी फीमेल पहली दफ़ा एग्स देती है तो वो बार बार जाके एग्स वगैरह को देखते हैं और चेक करते हैं, जिसकी वजह से ये भी होता है कि फीमेल जो है एग्स उठाकर बाहर फेंक देती है। ठीक है, वो डर जाती है, या फिर ये भी होता है कि पास दूसरे पेट्स वगैरह, दूसरे जानवर वगैरह, जैसे बिल्ली, कुत्ता वगैरह, डॉग्स वगैरह, जो कैट्स डॉग्स हैं, वो भी आके इनको तंग करते हैं, इनके पंजे को, जाली को जो है पिंजरे की, वो पंजे वगैरह मारते हैं, जिसकी वजह से ये खौफज़दा हो जाते हैं और एग्स उठाकर अपने जो है बाहर फेंक देते हैं। उसके बाद जो रीज़न आ जाती है एग्स उठाकर बाहर फेंकने की, अगर आपके पास कॉलोनी है, यानी कि आपने दो या इससे ज़्यादा पेड़ इकट्ठे रखे हैं एक ही पिंजरे में, तो व्यूअर्स लड़ाई जो ये फीमेल जो है ये आपस में लड़ पड़ती हैं। लड़ने की वजह से ये होता है कि ये एक दूसरे के जो एग्स है वो बाहर उठाकर फेंकने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि अगर बच्चे भी हों तो उन्हें भी मारकर ये बाहर फेंक देते हैं। तो व्यूअर्स, कॉलोनी में जो लड़ाई है वो आप इस तरह ख़त्म कर सकते हैं कि आप ज़्यादा मटकियाँ लगाएं, ज़्यादा बॉक्स अगर आप यूज़ करें बॉक्स लगाएँ, कुजी वगैरह ज़्यादा लगाएँ, ताकि उनको जो है अपना बॉक्स चुनने में आसानी हो और वो इतने ज़्यादा बॉक्स इसमें से जो है वो कोई भी बॉक्स चुन लें, और उसके बाद ये होगा कि इससे जो है लड़ाई काफ़ी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि व्यूअर्स, हर किसी की कोशिश होती है कि वो जो दूसरे बॉक्स में फीमेल बैठी है उसका बॉक्स ही ले, लेकिन अगर उसके बराबर में बॉक्स लगा होगा या उसके साथ एक बॉक्स लगा होगा तो वो उसमें भी जो है वो एग्स वगैरह ले करते ही। तो व्यूअर्स, ये कुछ मेन रीज़न होती हैं एग्स बाहर उठा के फेंकने की। उम्मीद है व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ लग गई होगी, और इंशाल्लाह फ्यूचर में व्यूअर्स आप इस जो मसले मसाइल है इनको बआसानी ख़त्म कर सकेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को व्यूअर्स अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को व्यूअर्स सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिए।